इसका कैंपेन पीरियड कल शाम को 7 बजे कंप्लीट हुआ। शायद कोई भी बाय इलेक्शंस में कैंपेनिंग रूलिंग पार्टी के तरफ से 5 महीने तक नहीं चला होगा और पावर का मिसयूज भी इतना लेवल पर बिना कोई सोच समझ के इतने पैसे भी शायद कोई इलेक्शन में बाय इलेक्शन में खर्च किया होगा। आज के पेपर में देखे तो ऑलमोस्ट सब पेपर्स में हुजूराबाद इलेक्शन में 2,36,000 के करीब इलेक्शन है तो 50% से ज़्यादा मोर देन 1,50,000 लोगों को कल सुबह 3 बजे से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से 6 बजे के अंदर 1,50,000 लोगों को 6,000 रुपए के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहा हूँ, आपका इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, आपके पुलिस ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्शन के तहत काम करने वाले 3,000 स्टेट पुलिस क्या कर रहा, सेंट्रल पुलिस को लेके आके रख लिए 1,800 लोगों को, उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन लोग सुबजने सो गए थे क्या? और यहाँ तक नौबत आया। बदकिस्मती की बात है KCR साहब तेलंगाना को आवाम को इतना नीचे गिरा दिए। एक जगह लोग रोडों पे आके धरना करे, हमारा भी 6,000 रुपये दो, 6,000 रुपये दिए तो हम वोट डालेंगे। ये डेमोक्रेसी का क्या बदकिस्मती है, इसका सिर्फ KCR साहब है। इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप फौरन इलेक्शन कमीशन के जानिब से आप एक इलेक्शन, 3 इलेक्शन कमीशन रहते, एक इलेक्शन कमीशनर को या कोई और वेरी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को, इलेक्शन कमीशन के दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को यहाँ पर डिप्यूट करो। यहाँ पर डिप्यूट करके यहाँ पर नहीं, इलेक्शन कुछ कंट्रोल में हुए जैसा आप कोशिश करिए, नहीं तो इलेक्शन कमीशन बदनाम हो जाएगा इस तरह ढंग से इलेक्शन से। ये तो चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब 2 दिन पहले प्लीनरी में बात करते हुए एज ए चीफ मिनिस्टर के हैसियत से, एज ए पार्टी के TRS पार्टी प्रेसिडेंट के हैसियत से मैं इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दे रहा हूं बोल के अल्फाज इस्तेमाल कर। हम इलेक्शन के नोटिस में ये बात लेके आए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल साहब को भी बताइए, उन्होंने भी बोले, मैं भी टीवी में नहीं लाइव मैं ऑब्जर्व किया बोल के उन्होंने बोले, उसके बाद मैंने कोई स्टेप नहीं। जो हुजूराबाद इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर वो एक RDO ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एक कलेक्टर है, 30 तारीख के इलेक्शन के बाद में उन लोग पिक ने स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के तहत ही काम करना पड़ता। जब इलेक्शन कमिश्नर को डराए तो उन लोग रेस्पॉन्स नहीं देते, एक्शन नहीं लेते, तो वो ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले हैं, फ्यूचर में नहीं इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के तहत में काम करने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करने वाले, किस भरोसे से इम्पार्शली इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देना चाहिए। और हरीश राव साहब 5 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कल एक इलेक्शन मीटिंग में, कंक्लूडिंग इलेक्शन मीटिंग में उन्होंने बताया, भाई 5 महीने हुआ आकर, मैं आए जब आप लोगों को, आप लोग मेरे से पूछे बिना इंटरेस्ट का हमारे को कुछ पैसे दिलाओ बोल के बोले।
तो मैं आपको 25 करोड़ रुपए दिलाया बिना इंटरेस्ट का, चेक्स दिलवाया, चेक्स दिलाए सो हमारे को वोट डालेंगे या किसी और को दे वोट डालेंगे, ओपनली उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बताए। तो किस ढंग से लालूची कर रहे समझना चाहिए। और एक जगह शायद जम्मी कुंटे में बात करें, आप लोग ने वायदा करे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हम वोट देंगे बोल के आप हमारे को वायदा करें, आपका आपका वायदा निभाइए। मैं रामालयम को गए, जब ने रामालयम को डबल के वास्ते पैसे होना बोल के बोले, दरगाह को गए तो दरगाह को पैसे होना बोल के बोले, आप मेजॉरिटी वोट दीजिए। मैं 10 दिन के अंदर रामालयम को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के काम शुरू कराऊंगा, दरगाह को 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कराकर 10 दिन के अंदर काम शुरू कराऊंगा। ऐसे बातें करना, ऐसा लालूची दिलाना इलेक्शन के दरमियान वाजबी नहीं है। और कल शशांक गोयल साहब कैंपेन पीरियड खत्म होने के बाद उन्होंने ऑफिसर से अपील करे, पैसे डिस्ट्रीब्यूट मत हुए ऐसा देखो, लिकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए ऐसा देखो। शशांक गोयल साहब, आपका अपील आने से पहले इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, शराब लोगों को पहुंच गया। आप तो यहाँ से बयाना दे रहे, मगर आपका बात वहीं लोकली कोई पोलिंग ऑफिसर सुनने वाला नहीं है, क्यों बोलते हैं फ्यूचर में यही गवर्नमेंट के अंदर, यही चीफ मिनिस्टर के अंदर अंडर में उन लोग काम करने वाले। आपको डायरेक्ट थ्रेटन करे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप कोई स्टेप नहीं लिए तो उनको, अगर कल फ्यूचर में उनको कुछ सताए तो आप उनको कुछ सेफ्टी देने वाले हैं क्या? वो डर उनमें है। उस वास्ते हम इलेक्शन कमीशन से फाइनली, इलेक्शन कमीशन से, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फौरन एक ऑफिसर को, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर को, हो सके तो नहीं इलेक्शन, ये तीन इलेक्शन कमीशनों में से ये इलेक्शन कमीशनर यहाँ बैठकर इलेक्शन सही ढंग से हुए ऐसा देखिए। थैंक यू।